हिंदी सिने जगत में कितने ही ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो कभी भी उन बुलंदियों को हासिल नहीं कर सके जिनको हासिल करने की ख्वाहिश हर कलाकार की होती है। ऐसी ही एक कलाकार हैं एक्ट्रेस सुलभा आर्य, जिन्होंने ढेरों फिल्मों में कई तरह के रोल्स निभाए हैं, जिन्हें लोग बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, लेकिन जिन्हें कभी भी वैसा रुतबा नहीं मिल सका जैसा कि उनके जैसे किसी भी कलाकार को मिलना चाहिए। किस्सा टीवी आज आपको अभिनेत्री सुलभा आर्य की जिंदगी से रूबरू कराएगा। सुलभा आर्य फिल्मों में कैसे आई और उनका फिल्मी सफर कैसा रहा, आज उनके बारे में ढेरों बातें हम और आप जानेंगे। सुलभा आर्य के जन्म की तारीख क्या है ये तो हमें नहीं मालूम चल पाया, लेकिन कई जगहों पर ये दावा किया गया है कि मौजूदा वक्त में सुलभा आर्य की उम्र 75 या 76 साल है, यानी सुलभा आर्य का जन्म 1945 या फिर सन 1946 में कभी हुआ होगा। सुलभा का जन्म मुंबई के दादर में रहने वाले एक महाराष्ट्रियन हिंदू परिवार में हुआ था। स्कूल के दिनों में सुलभा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगी थी। अपनी कॉलोनी में होने वाले सालाना कल्चरल इवेंट्स में भी सुलभा आर्य अपने बचपन में ड्रामा, सिंगिंग और डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट जरूर करती थी, लेकिन बचपन में सुलभा ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि बड़े होकर इन्हें एक्टर बनना है। ये तो पढ़ लिखकर एक टीचर बनना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने आसपास के गरीब बच्चों को इलाके के पार्क में बैठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया था। चूंकि छोटी उम्र से ही इन्होंने नज़र का चश्मा पहनना शुरू कर दिया था तो कॉलेज के दिनों में ही ये टीचर जैसी दिखने भी लगी थी। कॉलेज में इन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, नाटकों से इन्होंने खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया था और अपना पूरा ध्यान अपने ख्वाब को पूरा करने में लगाया था जो था एक बढ़िया टीचर बनना। पर चूंकि डेस्टिनी ने इन्हें धरती पर भेजा ही था एक एक्ट्रेस बनने के लिए, तो हालात कुछ ऐसे बने कि टीचर बनने के साथ साथ ये एक्टिंग की बारीकियाँ भी सीखने लगी। एक दिन सुलभा अपने कॉलेज जाने के लिए बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी इनके चाचा उसी वक्त वहाँ से गुजरे। इत्तेफाक से इनके वो चाचा इप्टा से जुड़े थे। ये वो दौर था जब चीन के अचानक हमले के बाद भारत के लोग बेहद गुस्से में थे और चीन की धोखेबाजी पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे थे। इनके चाचा ने भी भारत चीन युद्ध के ऊपर उन दिनों एक नाटक लिखा था जिसका नाम था जवाब हमला। उस नाटक के कई शोज मुंबई में हो चुके थे। इप्टा अब उस नाटक को हैदराबाद में आयोजित करने वाला था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मुंबई में होने वाले उस नाटक के शोज में बेटी के रोल करने वाली अभिनेत्री तरला मेहता ने हैदराबाद जाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सुलभा के चाचा बेटी के रोल के लिए किसी एक्ट्रेस की तलाश में थे। बस स्टैंड पर जब इनके चाचा ने इन्हें देखा तो उन्हें ध्यान आया कि ये भी तो एक्टिंग वगैरह क्या करती थी, क्यों ना बेटी के उस रोल के लिए इसी को ले लिया जाए। शुरू में तो सुलभा और इनके माता पिता ने इनके चाचा से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब इनके चाचा ने इन्हें बार बार भरोसा दिया कि कोई परेशानी नहीं होगी तो इन्होंने उस नाटक में काम करने के लिए हामी भर दी। उस वक्त तक सुलभा को ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो नाटक एक हिंदी नाटक है और इनकी मातृभाषा मराठी है, ये हिंदी बोलती ही नहीं है। मगर जब इनके चाचा इन्हें लेकर शबाना आज़मी के पिता कैफी आज़मी के घर गए और वहाँ इन्हें बताया गया कि नाटक हिंदी में होगा तो ये सुनकर सुलभा बहुत घबरा गई। हालांकि जब कैफी आज़मी की पत्नी शौकत कैफी ने इन्हें भरोसा दिया कि तुम बस अपने डायलॉग्स याद रखना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तो इनकी जान में जान आई। आपको बता दें कि उस नाटक में मेन किरदार निभा रहे थे हरि भाई यानी संजीव कुमार साहब। हालांकि उन दिनों वो एक्टिंग जगत में मशहूर नहीं हुए थे। सुलभा ने जब इप्टा के नाटक जवाबी हमला में काम किया था
तब उनकी उम्र 17 साल थी। उस नाटक के सिलसिले में मुंबई में सुलभा का मिलना जुलना कई लोगों से होता रहता था। इसी नाटक के दौरान इनकी मुलाकात इरशाद एहसान से हुई थी। इरशाद भी उन दिनों एकदम युवा थे। सुलभा और इरशाद दोनों एक दूजे को पसंद करने लगे और फिर आखिरकार दोनों ने घर वालों की रजामंदी से जयपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इरशाद एहसान ने अपना नाम बदलकर ईशान आर्य रख लिया और सुलभा बन गई सुलभा आर्य। ईशान आर्य आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी सिनेमेटोग्राफर बने। एक इंटरव्यू में सुलभा ने बताया था कि चूंकि ईशान एक मुस्लिम परिवार से थे तो शुरू में सुलभा के घर वालों ने ईशान संग उनके रिश्ते पर सख्त ऐतराज जताया था। सुलभा का परिवार ईशान संग उनकी शादी के एकदम खिलाफ था, लेकिन जब इनका परिवार ईशान से मिला तो उन्हें ईशान का व्यवहार बहुत पसंद आया और उन्होंने ईशान व सुलभा की शादी को आर्य समाज के रीति रिवाजों से किए जाने की शर्त पर इजाजत दे दी। ईशान से शादी के दौरान सुलभा एमए कर रही थी। फिर शादी के बाद सुलभा ने बीएड किया। क्योंकि इनके पति ईशान आर्य इप्टा से जुड़े थे तो शादी के बाद सुलभा भी उनके संग थिएटर में एक्टिव हो गई। जब ये बीएड कर रही थी उसी दौरान इनका बड़ा बेटा समीर आर्य जन्म ले चुका था। समीर आर्य आज के दौर के एक बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं। कोयला, कोई मिल गया और शूटआउट एट वडाला जैसी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी समीर आर्य ने ही की है। बीएड पूरी करने के बाद सुलभा आर्य ने टीचर बनने के अपने सपने को कुछ दिनों के लिए जिया और उन्होंने मुंबई के एक सरकारी स्कूल में टीचिंग की। इसी दौरान इनके दूसरे बेटे गौरव आर्य का जन्म हुआ। आज गौरव आर्य एक एक्टर हैं और साथ ही साथ हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी डबिंग भी करते हैं। सुलभा आर्य ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। इनकी फिल्मों की कोई प्रॉपर लिस्ट हमें नहीं मिल सकी, लेकिन इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो आ अब लौट चलें, हेरा फेरी, हेलो ब्रदर, तेरे मेरे सपने, प्रेम ग्रंथ, गुंडा राज, जल्लाद, ऐलान, घर गृहस्थी, क्योंकि, हल्ला बोल, युवराज, नौटंकी साला, संघर्ष और एक्शन जैक्शन जैसी बड़ी फिल्मों में ये नजर आई। फिल्म कल हो ना हो में इनके निभाए कांता बेन के किरदार को भला कौन भुला सकता है। कल हो ना हो में ये इक्का दुक्का सीन्स में दिखी हैं, लेकिन फिर भी इनके सीन्स दर्शकों को हमेशा के लिए याद रह गए। वहीं साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म मासूम में नन्हे किशन की साउथ इंडियन मामी के रोल में इनकी कॉमेडी भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। उस फिल्म में इनके शानदार काम को सराहते हुए स्क्रीन अवार्ड्स ने इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार दिया था। सुलभा आर्य ने टीवी पर भी काफ़ी काम किया है। दूरदर्शन के शुरुआती और लोकप्रिय टीवी शो ये जो है जिंदगी में सुलभा आर्य ने पहली दफ़ा छोटे पर्दे के लिए काम किया था। उसके बाद तो इन्होंने कई लोकप्रिय टीवी सीरीज में काम किया, जैसे कि सब टीवी का यस बॉस, स्टार प्लस का ससुराल गेंदा फूल, एन टीवी का बेगूसराय और सोनी टीवी का इशारों इशारों में। मौजूदा वक्त में ये स्टार प्लस पर आने वाले शो जिंदगी मेरे घराना में काम करती हैं और उस शो में ये संतोष सखुजा का किरदार निभा रही हैं। लगभग 5 दशकों से सुलभा आर्य फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। बेशक इनकी फिल्मों का कोई मेंटेन रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, लेकिन अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के दम पर इन्होंने भारतीय मनोरंजन जगत में अपनी दमदार पहचान बनाई है। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सुलभा आर्य हमेशा स्वस्थ रहें और आगे भी सालों तक एक्टिंग के अपने पेशे में मस्त रहें। किस्सा टीवी की तरफ से सुलभा आर्य को बिग सैल्यूट। जय हिंद।